हेलो दोस्तों, प्रो कबड्डी सीजन 8 के अंदर यहाँ पर जो 112 मैच है वो हो चुके कंप्लीट, और कल यानी कि शनिवार के दिन खेले गए यहाँ पर तीन बहुत ही शानदार मैचेस। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सभी मैचों के बाद के टॉप 10 की लिस्ट के बारे में। तो ये वीडियो होने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार, तो आप इस वीडियो को देखिए लास्ट तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक और नई वीडियो की। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर बताए आपके फेवरेट रेडर का नाम क्या है। और बात करें यहाँ पर टॉप 10 की लिस्ट में जो खिलाड़ी नंबर 10 पर आता है वो यहाँ पर पटना पार्स के बहुत ही शानदार रेडर सचिन तंवर ने यहाँ पर दोस्तों अपने खेले गए मैचों में पटना के लिए 131 रेड पॉइंट हासिल किए हैं। नंबर 9 पर आते हैं यहाँ पर डुबकी किंग प्रदीप नरवाल ने सीजन में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया उम्मीद के मुताबिक, लेकिन उन्होंने अपने खेले गए सभी मैचों में 134 रेड पॉइंट हासिल किए। नंबर 8 पर आते हैं यहाँ पर तमिल तलावास के बहुत ही शानदार रेडर मनजीत दया। मनजीत ने यहाँ पर दोस्तों तमिल के लिए खेले गए अपने 19 मैचों में 152 रेड पॉइंट हासिल किए हैं। और बात करें यहाँ पर इस लिस्ट में जो खिलाड़ी नंबर 7 पर वो यहाँ पर हरियाणा शील्ड्स के कप्तान और बहुत ही शानदार रेडर विकास कंदोला। विकास ने यहाँ पर हरियाणा के लिए खेलते हुए अपने मैचों में 156 रेड पॉइंट हासिल किए हैं। नंबर 6 पर आते हैं यहाँ पर इम्बा के वाइस कैप्टन और बहुत ही शानदार रेडर अभिषेक सिंह। अभिषेक ने यहाँ पर दोस्तों इम्बा के लिए खेलते हुए 158 रेड पॉइंट हासिल किए सीजन में अभी तक। नंबर 5 पर आते हैं यहाँ पर यूपी योद्धा के एक और शानदार रेडर सुरेंद्र गिल ने दोस्तों इस सीजन में यूपी के लिए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, उन्होंने अपने खेले गए मैचों में 165 रेड पॉइंट हासिल किए हैं। नंबर 4 पर आते हैं दिल्ली के एक्सप्रेस नवीन कुमार ने यहाँ पर दोस्तों दबंग दिल्ली के लिए खेलते हुए सीजन में अपने 15 मैचों में 177 रेड पॉइंट हासिल कर बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। नंबर 3 पर आते हैं यहाँ पर जयपुर पिंक पैंथर्स के उभरते हुए स्टार रेडर अर्जुन देसवाल ने सीजन में जयपुर के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उन्होंने अपने खेले गए मैचों में 202 रेड पॉइंट हासिल किए हैं। नंबर 2 पर आते हैं यहाँ पर बंगाल के कप्तान बहुत ही अटैकिंग रेडर मनिंदर ने यहाँ पर दोस्तों बंगाल के लिए खेले गए अपने मैचों में 237 रेड पॉइंट हासिल किए हैं। और इस लिस्ट में जो खिलाड़ी नंबर 1 पर आता है वो यहाँ पर हाई फ्लायर पवन कुमार सरावत ने यहाँ पर दोस्तों बंगलुरु बुल्स के लिए खेलते हुए अपने 20 मैचों में 244 रेड पॉइंट हासिल किए हैं। तो दोस्तों ये थे पर पीकेएल सीजन के टॉप 10 रेडर्स की लिस्ट। तो कैसे लगे आपको हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए कि आपको हमारी जो न्यू वीडियो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।